राधे राधे मित्रों, आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्र हिंदी अर्थ के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। अर्थात जिनके कंठ में सांपों का हार है, जिनके तीन नेत्र हैं, भस्म ही जिनका अंग राग अर्थात अनुलेपन है, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, उन शुद्ध अविनाशी महेश्वर नकार स्वरूप शिव को नमस्कार है। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताए नंदीश्वर प्रमथ नाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताए तस्मै मकाराय नमः शिवाय। अर्थात गंगा जल और चंदन से जिनकी अर्चा हुई है, मंदार पुष्प तथा अन्यान्य कुसुमों से जिनकी सुंदर पूजा हुई है, उन नंदी के अधिपति प्रमथ गढ़ों के स्वामी महेश्वर मकार स्वरूप शिव को नमस्कार है। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वर्नाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। अर्थात जो कल्याण स्वरूप है, पार्वती जी के मुख कमल को विकसित करने के लिए जो सूर्य स्वरूप है, जो दक्ष के यज्ञ का नाश करने वाले हैं, जिनकी ध्वजा में बैल का चिन्ह है, उन शोभाशाली नीलकंठ शिकार स्वरूप शिव को नमस्कार है। वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमाय मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। अर्थात वशिष्ठ अगस्त्य और गौतम आदि श्रेष्ठ मुनियों ने तथा इंद्र आदि देवताओं ने जिनके मस्तक की पूजा की है, चंद्रमा सूर्य और अग्नि जिनके नेत्र हैं, उन वकार स्वरूप शिव को नमस्कार है। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै अकाराय नमः शिवाय। अर्थात जिन्होंने यक्ष रूप धारण किया है, वे जटाधारी हैं, जिनके हाथ में पिनाक है, जो दिव्य सनातन पुरुष हैं, उन दिगंबर देव यकार स्वरूप शिव को नमस्कार है। पंचाक्षर मिदं पुण्यम यह पठेत् शिव सन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मुदिते। अर्थात जो शिव के समीप इस पवित्र पंचाक्षर का पाठ करता है, वह शिवलोक को प्राप्त करता है और वहां शिव जी के साथ आनंदित होता है। इति श्रीमद् शंकराचार्य विरचितम शिव पंचाक्षर स्तोत्रम संपूर्णम। नमो नारायण।